हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सांभर की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आज मैं सांभर बनाऊंगी बिना किसी झंझट के। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए अरहर की दाल, और यहाँ मैंने एक कप के करीब अरहर की दाल ले ली है। और अब हम इन्हें सबसे पहले दो बार अच्छे तरह से साफ़ पानी से धोकर वॉश कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अरहर की दाल को धोकर रेडी कर लिया है और हम इसे रख देंगे साइड में और चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की ओर। तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली, मेरे पास अभी इतना ही सब्जी अवेलेबल था, तो मैं इसी से सांभर बना के रेडी करूँगी। आप इसके अलावा भी और सब्जियाँ जो भी आपको पसंद है और घर में अवेलेबल है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ भिंडी, लौकी, टमाटर, प्याज और आलू लिया है, इन्हें काट कर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ ये इसे मैंने काट कर फटाफट से रेडी कर लिया है। अब चलते हैं, हम सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने कुकर ले लिया है और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे 2 तेज़पात। इसके साथ ही मैंने यहाँ ऐड किया है 2 सूखी लाल मिर्च, इसे मैंने तोड़ कर डाला है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले आलू डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम आलू को हल्का फ्राई करके रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना आलू को, 1 से 2 मिनट के लिए ही हम आलू को फ्राई कर लेंगे फटाफट से। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को भी हम थोड़े देर के लिए भून कर रेडी कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज हल्का भून जाएगा, हम बाकी की सब्जियां ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने भिंडी और लौकी डाल दी है और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून कर रेडी कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा लहसुन और ग्रेट किया हुआ अदरक। इन दोनों को डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे दाल। दाल ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च, इसे भी मैंने बीच से काट लिया है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी और नमक भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक और हल्दी डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन सबको 2 से 3 मिनट के लिए हम भून कर रेडी करेंगे। थोड़ी देर के बाद ये भून चुका है, तो हम इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर, और टमाटर डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ मैं 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, और पानी डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने 2 गिलास पानी डाला था, 1/2 गिलास पानी और ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही हम डाल देंगे सांभर मसाला। तो सांभर मसाला मैं 2 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। सांभर मसाला डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और गैस की फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और 1 सीटी आने देंगे हाई फ्लेम पर और 1 सीटी लो फ्लेम पर। कुकर का ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि दाल हमारा 2 ही सीटी में बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, और अब हम इसे एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे एक अलग बर्तन में निकाल लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले इमली का पल्प, और इमली का पल्प डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा तड़का ऐड कर देते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने तड़का पैन ले लिया और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच के करीब तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा राई, थोड़ा सा मेथी दाना, इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, और इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे सांभर में और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके ढक देंगे। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब हम फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। और हमारा सांभर बिल्कुल आसान तरीके से बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
और हमारा सांभर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पूरी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।